नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 18 ऐसे भी होते हैं घर के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे भी होते हैं घर में मकानों की विविधता एवं विभिन्न राज्यों में उपयोग होने वाले आवासों की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता के अंतर्गत थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है, जिसमें पाठ से जुड़े शब्दों वाक्यों को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर ना बोल करके पाठ से संबंधित विभिन्न घर के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन नहीं करना पड़ता है, परंतु प्रश्न बैंक बनाने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु तय की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित हो। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे। छात्र कक्षा में शांति व अनुशासन बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन के अंतर्गत इस नवाचार से शिक्षक कक्षा में उपस्थिति के माध्यम से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ की पुनरावृत्ति करा लेते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू किया जाता है। सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। माना शिक्षक ने बोला अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित विभिन्न घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री के नाम बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा लकड़ी, सीमेंट, लोहा, ईंट इत्यादि। इस तरह से शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों को बुलाते हैं और उनकी उपस्थिति पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से दर्ज कराते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे अपने घर, विद्यालय व आसपास के भवन निर्माण कला में प्रयोग किए जाने वाली सामग्री तथा वस्तुओं की पहचान करना और उनका तुलनात्मक अंतर करना, साथ ही जीवन की गतिविधियों को भी समझना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा का और स्कूली भाषा का प्रयोग करते हुए संवाद करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभव को साझा करना तथा तर्क देने की क्षमता विकसित करना, कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ विकसित करते हैं, सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करते हैं। इस प्रकार इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ ऐसे भी होते हैं घर को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता एवं जीवन कौशल मूल का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पे लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।